खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार जिले में काम कर रहा आजीविका मिशन, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ अपने समाज और घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। बस इसी सपने को लेकर पूरे जिले में आजीविका मिशन महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत बटवा, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है, या फिर हम यह कहें कि यह भी कान्हा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, वन्य ग्राम पर भी विश्व महिला दिवस मनाया गया, जिसमें आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें स्वागत समूह का आयव्यय, बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दीदियों ने सांस्कृतिक गीतों पर खूब नृत्य किया, कुर्सी दौड़ का भी आयोजन हुआ। हम आपको बता दें कि आजीविका मिशन लगातार महिला को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर पूरे जिले पर काम कर रहे हैं। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश डे आज ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से ग्राम पंचायत बटवार में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। क्योंकि कलेक्टर मैडम की मंशा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी पंचायतों के स्तर पर मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम संपन्न कराया जाए, उसी तारतम्य में यहाँ पर बटवार में आजीविका मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले हमने सरस्वती पूजन कर प्रार्थना गीत गाया, इसके बाद हम लोगों ने स्वागत गीत गाया। स्वागत गीत के बाद एक एक ग्राम संगठन बार चर्चा किए और फिर प्रगति CLF मोर्चा का शुरू से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक का पूरा प्राप्ति और भुगतान बताए, जिसमें कितनी राशि आई है और कहां कहां गया है, किस किस मद में। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ बच्चों के माध्यम से, फिर गीत गाया गया, इसके बाद फिर ग्राम संगठनों की दीदियों के नृत्य किया गया, मतलब नाचे कूदे, और इसके बाद फिर इनाम वितरण किया। समूहों को लेकर, समूह को मजबूत करना है उनको, जैसे हम लोग ऋण दे रहे हैं उनको व्यक्तिगत गतिविधि भी करा रहे हैं, समूह गतिविधि भी करा रहे हैं। गतिविधि अच्छी होगी उनकी तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इस प्रकार से उनका घर परिवार भी अच्छा से रहेगा, चलेगा और आगे तरक्की भी करेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।